इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फिफ्थ टेस्ट मैच प्रेडिक्शन, जो कि फिफ्थ मैच होने वाला है धर्मशाला में। और भाई धर्मशाला की पिच रिपोर्ट ये है कि भाई यहाँ का थोड़ा माहौल होता है ठंडा, और यहाँ पे स्टार्टिंग में बॉल थोड़ा पिच में ग्रास होगी और थोड़ी बहुत पिच में मूवमेंट भी होगी, तो यहाँ थोड़ा बहुत स्विमर को हेल्प मिलेगा। और फिलहाल तो वैसे ही पिच रहेगी जैसे स्पिनर को भी विकेट मिलती रहेगी। फिलहाल देखो भाई विकेट कीपर में है जोनी बेस्टो, बहुत ही शानदार प्लेयर है, प्लस आपको बैटिंग से पॉइंट देते हुए दिखेंगे चौथे या पांचवे पे, और बहुत ही शानदार फॉर्म में है, पिछले मैच का फॉर्म उठा के ये आपको परफॉर्मेंस करते हुए दिखेंगे। फिलहाल तो अभी मैं नहीं ले रहा। बेन फॉक्स, भाई बेन फॉक्स विकेट कीपिंग प्लस बैटिंग दोनों से पॉइंट देते हुए दिखेंगे, और शानदार बैट्समैन है, टेक्निक बैट्समैन है, तो भाई चाहो तो आप ले सकते हो, क्योंकि धर्मशाला में स्पिनर और पेसर को विकेट मिलेगी, ज़्यादातर कीपर यहाँ गेम में बने रहेंगे। ध्रुव जोयल भाई ये भी इंडिया का विकेट कीपर है, और लास्ट मैच में क्या ही शानदार बैटिंग करके गया है, और हमने लिया था और सिलेक्टिंग कम थी, हमें विन कराने में बहुत ही ईजी किया था इसने, और शानदार बैट्समैन भी है तो मैंने लिया है। केस भरत भाई खेलेगा तो ये भी थोड़ा ठीक ठाक ही है, क्योंकि बैटिंग प्लस कीपिंग कर लेगा इंडिया की साइड से, फिलहाल मुझे लगता तो नहीं खेलेगा, तो मैं इसलिए भी ध्रुव जोयल को ही पिक कर रहा हूँ। बैटिंग की ओर चलते हैं जिसमें रोहित शर्मा बहुत ही शानदार प्लेयर है, और दो मैच को छोड़ के लगातार दो मैच में आपको परफॉर्मेंस करता हुआ दिखा है, और मैं ले रहा हूँ, मगर चाहूँ तो मैं पिच देख के उसको ड्रॉप भी कर सकता हूँ। बेन स्टोक भाई इंग्लैंड का बहुत ही शानदार बैट्समैन है, तीन मैचों में लगातार परफॉर्मेंस कर रहा था, लास्ट मैच में हमने ड्रॉप किया और इसका परफॉर्मेंस डाउन हुआ, केएल राहुल अनवेलेबल है, नहीं है। यशस्वी जायसवाल जो कि इस सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रन मारे हुए हैं और हर मैच में आपको पॉइंट देता हुआ दिखेगा, कप्तान वाइस का दावेदार ये भी है, तो हमने पिक करेंगे। बेन डकेट भाई ये हिट और मिस टाइप का प्लेयर है, देख सकते हो आप एक मैच छोड़ छोड़ के चलता है, हो सके इस वाले मैच में 70 से 80 पॉइंट आपको देता हुआ दिखे। ओली पॉप भाई ये पहले या दूसरे टेस्ट में इसने पहले मैच में इसने 200 मारे, उसके बाद इसका डाउनफॉल आया, मतलब बैटिंग में स्ट्रगल कर रहा है, तो फिलहाल मैं अभी ले नहीं रहा। जैक क्रैवली हो सके, ओली पॉप इंपॉर्टेंट हो सकता है इस मैच का, जैक क्रैवली जो कि हमने लास्ट मैच में लिया था शानदार करके गया, इसका यह है कि भाई एक मैच चलता है दूसरे में इसका डाउन आता है, तो इस कारण मैं अभी नहीं ले रहा। शुभम गिल भाई दोनों मैचों में शानदार बैटिंग कर रहा है और मैंने लिया है, और परफॉर्मेंस भी अच्छा करके दे रहा है। एस अहमद भाई है डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्मेंस करके आया है, मगर इस वाले मैच में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, तो अच्छा बैट्समैन है, इंडिया बैटिंग करती है तो इम्पोर्टेंट भी है। आर पाटीदार भाई ये रजत पाटीदार ये आपको हो सके नहीं खेलता हुआ दिखेगा, क्यों, क्योंकि आप देख लो भाई तीन मौके मिले और तीनों मौकों को भुना नहीं पाया, ये आपको डेब्यू करते हुए दिखेगा। देवधर पाटीकर जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, रिसेंट में भाई 200 या 150 रन मार के आया है, बहुत ही तगड़े फॉर्म में है, खेलेगा तो भाई हम लेंगे, ठीक है ना, पहले बता रहा हूँ। ऑलराउंडर की साइड चलते हैं जिसमें रविंद्र जडेजा जो कि ये अपने कप्तान वाइस का दावेदार होने वाला है, क्यों, प्लस बैटिंग प्लस बॉलिंग से आपको करता हुआ दिखेगा हर मैच में। देखो पहले मैच में 200 पॉइंट है, दूसरे में 273 और तीसरे में 132, मतलब बैटिंग प्लस बॉलिंग से दोनों पॉइंट करते हुए दिखेगा। आर अश्विन का भी सेम है भाई, ये भी प्लस बैटिंग बॉलिंग से आपको परफॉर्मेंस करता हुआ दिखेगा, ये भी वाइस का दावेदार है, ठीक है ना, कप्तान वाइस का, जो रूट भी लेना ही लेना है, क्यों लेना है, ये भी बैटिंग प्लस बॉलिंग से ये भी आपको करता हुआ दिखेगा, तो ये तीन ऑप्शन है जो कि बेस्ट, और चौथा जायसवाल, ये चार ऑप्शन है जो कि कप्तान वाइस के सबसे ज़्यादा ऑप्शन है। फिलहाल अक्षर पटेल तो खेलेगा तो ये भी इम्पोर्टेंट है, मगर नहीं खेल रहा तो छोड़ेंगे। डी लॉरेंस भाई खेलेगा तो मैं इसको पिक करूँगा, क्यों पिक करूँगा, जब खेलेगा तो आपको खुद पता चलेगा। जसप्रीत बुमराह हो सके इस मैच में खेलता हुआ दिखे, और खेलता है तो क्या करता है आप देख सकते हो भाई, तीनों मैचों में ये आपको 80 से ऊपर पॉइंट देता हुआ दिख रहा है, तो खेलेगा तो मैं लूँगा। जिमी एंडरसन यहाँ पे स्टार्टिंग में एक से दो विकेट लेता हुआ दिख सकता है आपको पिच में नमी हुई, तो कुलदीप यादव मैं लूँगा, क्यों लूँगा, आप सबको पता है भाई कुलदीप यादव बैटिंग भी कर रहा है और प्लस बॉलिंग से तो उसके दो इनिंग के 100 पॉइंट मान के चलो, प्लस बैटिंग भी थोड़ा बहुत कर लेता,
मोहम्मद सिराज ठीक ठाक ही है, मतलब इतना ख़राब भी नहीं है, इतना सही भी नहीं। हर मैच दो इनिंग मिला के 40 पॉइंट तो दे ही रहा है। और भाई मार्कुट तो मुझे लग नहीं रहा खेलेगा, फिलहाल दिखा देता हूँ, एक मैच खेला जिसमें 138 पॉइंट देके गया। टॉम हार्टली भाई इसको लेना ही लेना है, क्यों लेना है, इसका भी सेम है भाई, हर मैच में 100 के ऊपर पॉइंट है, क्यों, बैटिंग प्लस बॉलिंग ये भी करता हुआ दिखता है। रोबिनसन जो कि भाई बैटिंग से ही पॉइंट देके गया, बॉलिंग में तो कुछ कर नहीं पाया, बैटिंग से ही पॉइंट देके गया, तो ठीक नहीं, बॉलर बड़ा शानदार है मगर ये भी एडवांटेज है, बैटिंग भी करता। ए दीप फर्स्ट इनिंग में जो इसने विकेट ली थी 3 विकेट, सेकंड में उतना कुछ खास कर नहीं पाया, अच्छा एक्शन है और अच्छा गेंदबाज भी। बशीर अहमद ये भी शानदार गेंदबाज है, तो लेना ही लेना है। फिलहाल देखो एक बैट्समैन लेना है या जसप्रीत बुमराह खेलेगा उसको लूँगा, तो फिलहाल बैटिंग की साइड से मैं अभी थोड़ा ऑप्शन दे रहा हूँ, बेन स्टॉक या मैं जैक क्रैवली के साथ जा सकता हूँ या बी फोर्स, तो फिलहाल मैं बेन स्टॉक के साथ जा रहा हूँ जो कि मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है इनसे। और कप्तान तो मेरा आपको पता है रविंद्र जडेजा, और वाइस अश्विन या जो रूट में से बना सकता हूँ, फिलहाल तो मैं अभी जो रूट के साथ जा रहा हूँ। प्रेडिक्शन टीम में तैयार है, देखो ध्रुव जुएल है, रोहित शर्मा है, बेन स्टॉक है, यशस्वी जायसवाल है, शुभम गिल है, रविंद्र जडेजा है, आर अश्विन है, जो रूड है जो कि अपना वाइस है, कुलदीप यादव है, टॉम हार्टली है, एस बसीर है। फिलहाल फाइनल टीम टेलीग्राम पे लाइक और कमेंट के साथ तैयार रहना, मिलते हैं फाइनल टीम के साथ, ओके गाइस।